सर, इसका बाग परियोजना में सर्दी के इन दिनों में शिकारियों द्वारा घुसपैठ का अंदेशा बढ़ गया है। इसके चलते अब आरएसी के जवान अधिक संख्या में यहां निगरानी का जिम्मा संभालेंगे। सर, इसका प्रोजेक्ट राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यहां शिकार की वजह से एक बार तो बाघ लुप्त हो चुके हैं। इसके बाद रणथंभौर से पुनर्वास कर बाघों को यहां लाया गया था। सर्दी के मौसम और कोहरे का लाभ उठाकर इन दिनों शिकार की अधिक आशंका रहती है। बाघों सहित शेष वन्य जीवों की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आरएसी के जवानों की मदद ली जा रही है। आज सरिस्का रेंज में आरएसी जवानों को संवेदनशील नाकों वाला क्षेत्र दिखाया गया। इनमें करना का पास की झील, क्रासका का जंगल और अन्य स्थान शामिल थे। सरिस्का बाघ परियोजना का वर्ष 2005 में 881 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था और इस दौरान यहां 75 बीट बनी हुई थी। अब इस परियोजना में कुल 1231 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और 102 बीट है। इसके बाद भी सरिस्का में वन कर्मचारियों की कमी होने के चलते आरएसी के जवानों को लगाया गया है। रेंजर गजनफर अली जैदी के अनुसार उद्देश्य है कि शिकारियों की घुसपैठ और अवैध रूप से हो रही वन चराई पर रोक लगाई जा सके। आरएसी की जो प्लाटून है उसमें आज गश्त का प्रोग्राम रखा है सरिस्का रेंज का, जिसमें कि थाना गाजी, कुशालगढ़ और ये काली घाटी, इन तीन नाकों के गश्त का कार्यक्रम रखा है। एक्चुअल में 1200 वर्ग किलोमीटर का जो सरिस्का टाइगर रिजर्व का एरिया है उसमें कई तरह की समस्याएं हैं, जिसमें अवैध कटान है, शिकार है, एनक्रोचमेंट है, और चूँकि पूरा एरिया खुला हुआ है तो शिकारियों का भी इसमें आने का रहता है। तो उन लोगों को रोकने के लिए आरएसी बटालियन को लेके और स्टाफ को इस पूरे रिज़र्व का प्रोटेक्शन किया जा रहा है, जिसमें कि दिन रात इनको लेके गश्त की जा रही है, ताकि जो बाघ है, बाघ के अलावा जो भी वन्य जीव हैं, वनस्पति है, उस सबको बचाया जा सके और उनका संरक्षण किया जा सके।